तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। अब चेक करें कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है जी। और अब थोड़ा जूम करके भी नहीं, फिर आप कहेंगे यार वो प्राइवेसी। बहरहाल ये एक बंदे के साथ जो है फ्रॉड किया गया, अब चेक करें कि ये काम भी होता है। फोटो जो है ना उसकी, वो फोटो वाली जगह पे रख के छोटी पिक्चर खींच के उनको सेंड कर दी पीडीएफ बना के। सो इस लेवल तक फ्रॉड हो रहे हैं, आपकी सोच है? आप जब भी वीजा लें, कोशिश करें कि उनसे वीजा एप्लीकेशन नंबर लें। आरओपी की वेबसाइट्स मेंशन है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों लिंक पे जाके वो देख सकते हैं, अपना वीजा एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि वीजा इशू हुआ नहीं हुआ। मजीद ये कि आप ओमान में किसी को बोल के भी, अगर ऑनलाइन स्टेटस में अक्सर वो हो जाती है ऊंच नीच या नहीं आ रहा होता, रियल में वीजा आ चुका होता है, तो आप आरओपी से जाके भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, और ये बिल्कुल ही अब तस्वीर देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए, वो इम्प्रिंट होती है पेज के साथ ही, लेकिन ये ऊपर रख के अलग से स्कैन करके आहो कर दिया गया और उस बंदे के साथ फ्रॉड हो गया। और अगला बंदा भी अगर शरीफ है तो वो नहीं बोदर ही नहीं करते इन चीज़ों को, क्योंकि उनको इतनी बीने सुनाई जा चुकी होती हैं कि वो बस फ्रॉड हो ही जाता है। तो कोशिश करें कभी भी वीज़ा लें, एक तो बगैर रेफरेंस के नहीं लें, और दूसरा आज़ाद वीज़ा के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है, वो भी वीडियो देखिएगा। और क्या है, और बस जैसे तैसे भी पैसे दे के अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा। अब ये जो जिस बंदे ने ये आलू रखा है वो, उसका क्या लेवल होगा, और जिस बेचारे के साथ ये धोखा हुआ है वो, उनकी परेशानी का आलम क्या होगा, सोचिए। तो थोड़ी सी हिम्मत जो है ना आपने करनी है, बाद की बहुत सारी मुश्किलात से बचने के लिए शुरू की जो थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल है ना, कोशिश है, वो आपको सब चीज़ों से बचा सकती है। तो जब भी आप ये काम कर रहे हो, या खुद आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लें, या किसी को बोल के करवा लें, ये हम भी काम कर देते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आप सेंड करें, पासपोर्ट नंबर सेंड करें, और कंट्री खलास ऑनलाइन चेक करके स्टेटस आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों की सिर्फ वीज़ा की फीस पेमेंट करके खलास उनके ऊपर आलू रख दिया जाता है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, वो कैंसिल कर देते हैं, उनका 200-300 जाता है, वो लेने वाले के सारे चले जाते हैं। चलिए, अगर आपने फ्रॉड करना है वीज़ा तो दे दें उनको, वो इधर आके उसकी जलालत में इजाफा हो जाए, नहीं वो भी नहीं करते। बहरहाल फेक फिर बहुत सारे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो आपको पूरा वहीं पे वेरीफाई करवा देते हैं, सेम सेम नेम की बनाई हुई है, आपको सब कुछ फेक देंगे, वहीं पे जाके वेरीफाई करवा लें आप, वो दूसरी जगह पे नहीं होगी। जो रियल वेबसाइट है उसके ऊपर नहीं होगी, सिर्फ जो उनकी बनाई हुई है उसके ऊपर होती है। ओमान गवर्नमेंट कितनी इस तरह की वेबसाइट्स को ब्लॉक करती है, बहुत सारे ऐसे बाकी मुल्कों में ये बहुत कुछ हो रहा है। यूएई में कितने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, सिर्फ नॉल कार्ड जो है उनका, वो ट्रांसपोर्ट का, उसके उसको रिचार्ज करने के ऊपर कितने फ्रॉड होते हैं। सो थोड़ा सा जो है ना स्टार्ट में एफर्ट कर लिया करें, बाद की बड़ी बड़ी मुश्किलात से बंदा बच जाता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और अनफॉलो करते रहिए। टिकटॉक आ लेने से कसम पाई हुई है कि फॉलो नहीं करना, ठीक है? वल्लाही, अब टिकटॉक कह लेंगे गंदी एप्लीकेशन है जो साढ़े फल फल वाला फ्लावर कटा रही है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।